सब्सक्राइब करें टेक्नो ब्लॉगर एंड हिट नोटिफिकेशन बटन टू स्टे अपडेटेड। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज ऋषभ जसवाल एंड यू वाचिंग टेक्नो ब्लॉगर। तो आज के वीडियो में बात करने वाले साउंड कोर का लाइफ क्यू 10 इस हेडफोन के बारे में, जिसका अनबॉक्सिंग मैंने कुछ 10-12 दिन पहले किया था। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो जाकर वो सबसे पहले देख लो। तो उस वीडियो में कई सारे कमेंट्स थे जहाँ पे कुछ सारे लोगों का सवाल था, कुछ सारे लोगों ने नेगेटिव कमेंट्स किया, कुछ पॉजिटिव कमेंट्स किए, तो उसे हम डिस्कस करने वाले इस वीडियो में। और पिछले 10-12 दिन से जो मैं इसे यूज कर रहा हूँ उसके बाद मेरा क्या रिव्यू है, मेरा क्या ओपिनियन है इस हेडफोन के बारे में वो भी हम जानेंगे, और क्या उसके बाद भी एक वैल्यू फॉर मनी हेडफोन है सब जानने वाले इस वीडियो में। तो बिना कोई टाइम So let's begin. तो दोस्तों, उस वीडियो में कई सारे कमेंट थे, तो हम पहले कमेंट से स्टार्ट करते हैं जहाँ पे लोगों का कई सारा कमेंट है इसका कंपैरिजन के बारे में अलग अलग हेडफोन्स के साथ में, बोट का, JBL का, वन ऑडियो का। तो मैं कोई कंपैरिजन नहीं बता सकता क्योंकि मैंने उस हेडफोन्स को यूज नहीं किया है। तो बट फॉर श्योर कि इसका साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता कि ये उससे ज़्यादा बेटर है या उससे खराब है, बट इसमें आपको कमाल का ऑडियो एक्सपीरियंस देखने को मिलने वाला है। उसके बाद कई सारे लोगों ने इसका वेट के बारे में पूछा, जो इसका अराउंड कुछ वेट 300-350 ग्राम्स के आसपास में आपको देखने को मिलेगा। तो और कमेंट है जिसमें पूछा गया है कि इसमें गारंटी कितना मिल रहा है। तो इसमें गारंटी नहीं, वारंटी मिल रहा है, दोनों डिफरेंट चीज़ होता है। तो इसमें वारंटी आपको 1.5 साल का यानी 18 मंथ्स का देखने को मिल जा रहा है। जहाँ पे लोगों को इसके प्राइसिंग को लेके काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ, कई सारे कमेंट आए जो इसमें लोगों को समझ नहीं आ रहा कि मैंने इसे 1600 रुपीज में कैसे परचेस किया। तो देखो यार, अभी भी 1600 में आपको नहीं मिल सकता, तो भी मैंने उस वीडियो में भी बोला था, इसमें भी बोल रहा हूँ कि इसका प्राइसिंग बिग बिलियन डे इसका फर्स्ट डे सेल में कुछ 1800 रुपये के करीब है, जहाँ पे 50 रुपीज सुपर कॉइन्स के थ्रू माइनस हुआ, उसके ऊपर कुछ पेटीएम से 125-150 रुपीज कैशबैक माइनस करने का उसका प्राइसिंग इफेक्टिव 1600 रुपीज पड़ा था। तो उसके बाद हम बढ़ते वारंटी क्लेम प्रोसेस में, जहाँ पे देखो इसका वारंटी क्लेम करने के लिए आपको चेन्नई में से भेजना होगा, या वो खुद पिकअप करेंगे या आपको पोस्ट करना होगा, ऐसे कुछ सिस्टम है जहाँ पे मैंने साउंड कोर्ट से बात किया। अगर आपको 18 महीने में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो वो वहाँ से इसे रिपेयर करके या इधर रिप्लेस करके भेजेंगे आपको वापस। तो वारंटी को लेकर क्या इसका मुंबई में सर्विस सेंटर, ये भी पूछा गया। तो यार, मुंबई में इसका सर्विस सेंटर नहीं है, सिर्फ चेन्नई में एक ही सर्विस सेंटर आपको देखने को मिलेगा। इसका साउंड क्वालिटी में और एक कमेंट है, यहाँ पे यूजर को लो वॉल्यूम में कुछ ज्यादा लो सुनाई दे रहा है। तो यार, मे बी इसमें ऐसा डिफेक्ट हो सकता है, मे बी उसे लग रहा हो, तो आप थोड़ा सा वॉल्यूम हाई करके यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ऐसे 70-80% वॉल्यूम में यूज करता हूँ, जिसमें आपको एकदम परफेक्ट ऑडियो देखने को मिल जाएगा। उसके बाद पबजी का लेटेंसी के ऊपर क्वेश्चन है, यहाँ पे कार, फुटस्टेप, बुलेट फायर, ये सबका लेटेंसी कैसा देखने को मिलता है वो पूछा गया। तो देखो यार, मल्टीप्लेयर गेमिंग के लिए जहाँ पे आप इस टाइप का गेम्स है, तो उसमें मैं एक वायर्ड हेडफोन को लेना ज़्यादा प्रेफर करूँगा। यहाँ पे ब्लूटूथ गेमिंग के लिए नहीं है बिल्कुल भी, पर तो भी इसमें लेटेंसी काफ़ी ज़्यादा कम है। आप अगर नॉर्मल गेमिंग करते हो तो आपको कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा, बट अगर आप काफ़ी ज़्यादा गेमिंग करते हो और आपके लिए कुछ माइक्रो सेकेंड्स का भी डिफरेंस बहुत ज़्यादा वैल्यू करता है, तो ये हेडफोन गेमिंग के लिए बिल्कुल भी नहीं है। फिर आते हैं उसके बाद और एक कमेंट के ऊपर जो काफ़ी लोगों ने किया है, इसका कनेक्टिविटी इशू विथ जूम ऐप, गूगल मीट, डिस्कॉर्ड ऐसे से, और ये मेनली पीसी के साथ में है, फोन के साथ में किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी कनेक्टिविटी का कोई इशू नहीं है। बट अगर आप पीसी के बारे में हम जब आते हैं, तो पीसी में लैपटॉप में जो जूम एप्लीकेशन जो विंडोज का है, उसमें लोगों को कनेक्टिविटी का इशू, इनफैक्ट मैंने भी ये फेस किया, जहाँ पे कुछ सेकंड्स के लिए कनेक्ट हो रहा है, फिर उसके बाद इसका ऑडियो पूरा साइलेंट हो जा रहा है, इसमें कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। तो उसके बारे में मैंने साउंड कोर टीम से बात किया और उनका कहना है कि हम ऑक्स लगा के इसे यूज करें, बट अगर आप इसे ऑक्स लगा के यूज करते हो तो इसका माइक फिर काम नहीं करता, इसका माइक सिर्फ ब्लूटूथ मोड में काम करता है, तो वो एक प्रॉब्लम देखने को मिल जाता है इसके थ्रू। अगर आप पीसी में ऑनलाइन क्लासेस करते हो या मीटिंग्स करते हो, कुछ भी जूम या गूगल मीट इस टाइप के कुछ ऐप्स यूज करते हो मीटिंग वाले, तो उसमें कनेक्टिविटी का इशू है पीसी के साथ में, तो उन लोगों के लिए रिकमेंडेड बिल्कुल भी नहीं है, जहाँ पे साउंड कोर भी कुछ खास रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो उसके बाद हम बढ़ते हैं इसका हैवीनेस को लेके, क्या ये हैवी है। तो देखो यार, फर्स्ट टाइम में अगर आप कोई भी हेडफोन लेते हो ईयरफोन के बाद, तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा हैवी लगेगा, बट एक दो हफ्ते यूज करने के बाद आपसे यूज टू हो जाओगे। इनफैक्ट स्टार्टिंग में मैंने भी थोड़ा फेस किया कि थोड़ा हैवी लग रहा था, बट अभी थोड़ा नॉर्मल हो गया, अभी कुछ पता भी नहीं चलता कि अब मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ। तो अब क्वेश्चन है कि ये डुअल कनेक्टिविटी सपोर्ट करता है, तो जी हाँ, ये डुअल कनेक्टिविटी सपोर्ट करता है। जब आप फर्स्ट डिवाइस में पहले नॉर्मली कनेक्ट कर लो, फिर उसके जब आप दूसरा डिवाइस में कनेक्ट कर लो, तो आपको उसका वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन दोनों को एक साथ प्रेस करके रखना है फॉर 3 सेकेंड, तो आपका दूसरा डिवाइस में भी कनेक्ट हो जाएगा। तो आप ऑल्टरनेटिवली स्विच कर सकते हो आपको जिस डिवाइस से यूज़ करना है। उससे कई सारे कमेंट्स है जहाँ पे लोगों को काफ़ी ज़्यादा ये पसंद आया हेडफोन, साउंड क्वालिटी और उसकी बिल्ड क्वालिटी काफी ज्यादा पसंद आया, वैसा भी कमेंट है। और लोग ने पूछा क्या ये ओवरवेट है, तो देखो यार, ओवरवेट नहीं है, इसमें 60 आवर्स का बैटरी बैकअप मिलता है, तो उसके साथ बैटरी है थोड़ा, तो वेट एकदम अकॉर्डिंगली बैलेंस है, कुछ ऐसा आपको प्रॉब्लम नहीं है। स्टार्टिंग में फर्स्ट
कुछ दिनों में आपको थोड़ा हैवी लग सकता है, उसके बाद कोई आपको प्रॉब्लम ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। फिर कई लोगों का कहना है कि उन्हें फर्स्ट कॉपी मिला या उन्हें डिफेक्टिव पीस मिला जहाँ पे उन्हें सही साउंड क्वालिटी देखने को नहीं मिल रहा है, तो प्लीज अगर आप इसे खरीद रहे हो तो आप बायर देख के खरीदो, बायर का रेटिंग देख के खरीदो। एक और कमेंट है जहाँ पे पूछा जा रहा है क्या ये इसका जो ईयर कप से इसे रिप्लेस किया जा सकता है या इसे निकाल के वॉश किया जा सकता है, इस टाइप का कमेंट है। तो यार इसे चेंज नहीं किया जा सकता है, ये एकदम परमानेंटली फिक्स है, आप इसका ईयर कप्स को रिमूव नहीं कर सकते। तो फिर जाके पूछा जा रहा है कि साउंड ऑक्स के साथ या ब्लूटूथ के साथ किसके साथ ज्यादा बेटर देखने को मिलता है। तो देखो यार दोनों में एग्जैक्टली सेम देखने को मिलता है, थोड़ा बहुत लाउडनेस का थोड़ा अप्स एंड डाउन होता है, जहाँ पे आप ऑक्स में थोड़ा लो वॉल्यूम देखने को मिले और ब्लूटूथ में थोड़ा हाई, और आप अपने ऑक्स में इस बटन को यूज नहीं कर सकते और माइक को भी यूज नहीं कर सकते, तो स्पेशली आप इसे ब्लूटूथ में यूज करो। फिर दूसरा कमेंट है जहाँ लोग कंफ्यूज है कौन सा कलर लेना, तो यार ये वाला रेड एंड ब्लैक कलर सस्ता है, ब्लू और ऑरेंज से, तो ऑब्वियसली आप इसी में जाओ। और लोग कंफ्यूज है कि इसका जो ईयर कप्स मूव होता है क्या वो उनका डिफेक्टिव पीस है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ईयर कप्स जो यहाँ से मूव होता है, इसके यहाँ से फिटिंग है, वो इसीलिए कि आपके कानों के हिसाब से वो एडजस्टमेंट कर सके, तो उसमें कोई भी डिफेक्टिव नहीं है। अच्छा और कमेंट है कि 3000 से इसका प्राइस वापस कब कम होगा, तो अभी कम में चल रहा है, इस दिवाली सेल में कुछ आपको 2300 रुपये में देखने को मिल रहा है अभी। फिर अगेन वही सारे कमेंट्स है जहाँ पे गूगल मीट डिस्कॉर्ड में ये वर्क नहीं कर रहा, उसका सोल्यूशन का ऐसा अभी कोई सोल्यूशन नहीं है। जहाँ पे साउंड को टीम का भी यही कहना है कि आप ऑक्स से अभी इसे यूज करो। और आज ही का आया हुआ कमेंट है जहाँ पे 2300 रुपये से इसका प्राइस कब कम होगा वो पूछा गया। तो देखो फ्लिपकार्ट मेरा कंपनी तो है नहीं जो मैं आपको डायरेक्ट बता पाऊँ कि इसका प्राइस कब कम होगा, पर आपको रेगुलर चेक करते रहना होगा। जहाँ पे कल इसका प्राइसिंग 2000 में देखने को मिला था, आज इसका 2300 हो गया है, तो आप रेगुलर चेक करो, मे भी शायद आपको उससे कम में वापस देखने को मिल जाए। तो यही सबसे कुछ कमेंट्स। अब मैं अपना रिव्यू के बारे में बात करूँ तो यार इसका पहले आ जाते बिल्ड क्वालिटी में। देखो इसका काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट ईयर कप्स है और इसका ऊपर का रबर, पर जितना ज़्यादा सॉफ्ट ये लग रहा है उतना ज़्यादा कंफर्टेबल कानों में नहीं है। यहाँ पे अगर आप काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ करते हो 5 घंटा 6 घंटा, तो आपको थोड़ा पेन ईयर में देखने को मिलेगा। जहाँ पे मेनली पेन है इसका इस पार्ट के लिए, जो काफ़ी ज़्यादा टाइट है, जो आस्ते आस्ते लूज हो जाएगा। इनफैक्ट अभी मेरा थोड़ा सा लूज हो चुका है, तो इनफैक्ट मैं अभी लॉन्ग टाइम के लिए भी यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसा कोई पेन पता नहीं चल रहा, आस्ते आस्ते आप भी यूज टू हो जाओगे। फिर उसके अगर साउंड क्वालिटी बेस क्वालिटी की बात करें, तो उसमें से कोई प्रॉब्लम नहीं है, साउंड क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छा। अगर आप म्यूज़िक के लिए लेना चाह रहे हो तो दिस इज़ द बेस्ट वन इन दिस बजट, यहाँ पे साउंड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और अगर बेस आप ऑन करके म्यूज़िक सुनते हो तो आपको बेस की क्वालिटी और ज़्यादा बेहतर देखने को मिलता है। और मैं ऐसे 70-80% वॉल्यूम में यूज़ करता हूँ, बट जैसे ही मैं इसका वॉल्यूम डायरेक्ट 100 में करता हूँ, तो थोड़ा सा डिस्टॉर्शन देखने को मिलता है कुछ सेकंड के लिए, फिर वो ठीक हो जाता है, तो उसमें भी मुझे थोड़ा सा इशू देखने को मिला। बाकी साउंड क्वालिटी बेस एकदम एक्सेलेंट है। यहाँ पे इसकी बैटरी बैकअप की बात करें तो कंपनी 60 घंटे का क्लेम करता है, बट उतना नहीं, बट आराम से 50 आवर्स तो आराम से चलता है। यहाँ पे मैंने पिछले 10 दिनों में सिर्फ इसे एक बार चार्ज किया और एक बॉक्स से 80% में निकला था जब मैंने इसे अनबॉक्स किया था, तो उस टाइम मैंने कुछ दिन यूज़ किया, उसके बाद अभी भी इसका 50% बैटरी है। तो मैंने अभी तक एक ही बार चार्ज किया 100% में, तो बैटरी बैकअप काफ़ी कमाल है। जहाँ पे मैं इससे कई सारे वेब सीरीज देख डाला, कई घंटे गेमिंग, कई बार वीडियो एडिटिंग, बहुत कुछ करके देखा, और मुझे इसमें कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला। और इसका बैटरी बैकअप काफ़ी ज़्यादा लंबा है, तो आपको बैटरी बैकअप का कोई चिंता नहीं करना। इनफैक्ट सर इस बजट में आपको इससे बेटर बैटरी बैकअप किसी भी हेडफोन में नहीं देखने को मिलने वाला है। तो पिछले 10-12 दिन में मैंने इसे जो भी यूज़ किया, जितने भी चीज़ों के लिए, गेमिंग के लिए यूज़ किया, एडिटिंग के लिए यूज़ किया, म्यूज़िक के लिए यूज़ किया, कंटेंट कंज्यूम करने के लिए यूज़ किया, मुझे इसमें कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला। बट अगर मैं आता हूँ गूगल मीट्स और जूम मीटिंग ऐप्स में पीसी में यूज़ करने के लिए, कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम हुआ जहाँ पे मुझे ऑक्स यूज़ करना पड़ा। बट अगर आप मोबाइल फ़ोन यूज़र है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलने वाला है। जहाँ पे अपना आँख बंद करके आप इसे खरीद सकते हो, इनफैक्ट अभी 2300 में भी काफ़ी अच्छा वैल्यू फॉर मनी। पर अगर आप पीसी यूज़र हो जहाँ पे आप मीटिंग करते हो और बहुत कुछ करते हो, और इनफैक्ट अगर आप प्रो गेमर हो, तो ये आपके लिए हेडफोन बिल्कुल भी नहीं है, जहाँ पे आपको एक वायर्ड हेडफोन के लिए जाना चाहिए। तो यही सब थी इस पूरे हेडफोन की कहानी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको इसमें कुछ और डाउट है, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, हेडफोन सही से वर्क नहीं कर रहा, कुछ भी क्वेरीज है तो मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो सून।